जीतन राम मांझी जी का नाम मांझी जी है, लेकिन लोग तो इनको प्यार से जीतन राम शर्मा बुलाते हैं, जीतन राम शर्मा, जीतन राम शर्मा बुलाते हैं, जीतन राम शर्मा। शुरुआत 19 सितंबर को नवादा अग्निकांड के बाद हुई बयानबाजी से। तब तेजस्वी यादव ने मांझी के नाम के साथ शर्मा लगाया था। इस बयान को 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी नहीं भूले हैं। एक बात है कि वो लोग नहीं पढ़े हैं, हम तो पढ़ के आए ही हैं। वो पीएचडी है, नेट है, प्रोफेसर है, हम भी बी ऑनर्स किया है। उनकी डिग्री क्या है वो बतावें, एक चीज। दूसरी बात, यदि वो शर्मा हमको कहते हैं तो अपने पिताजी के बारे में मांगें कि उनके पिताजी किसके जन्मे हुए हैं। गनेरिया के जन्मे हुए हैं तो गनेरिया हैं, वो यादव नहीं है। इस बयान के जरिए जीतन राम मांझी ने जाति विवाद के चिन्ह को जिंदा कर दिया। मांझी के बयान पर सवाल लालू से हुआ तो उन्होंने तंजिया अंदाज में जो कहा वो जाति सूचक बयान के तौर पर देखा जाने लगा। मांझी जी कह रहे लालू यादव यादव नहीं है, गनेरिया है, मुसार है जी, वो मुसार है क्या, वो मुसार है क्या। जवाब में लालू के इस बयान के साथ जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख दिया। मांझी पर दिए लालू के बयान को एनडीए ने मुद्दा बना दिया है। नेता कह रहे हैं कि लालू दलितों का अपमान पहले से करते रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी की भाषा ऐसी ही रही थी, कोई ज्ञानी पुरुष वो थोड़े ही थे। अभी कोई भूल गया है क्या कि भूरे बाल साफ करो, परवल की सब्जी काटो। आज फिर से आदरणीय जीतन राम मांझी जी पर उन्होंने कहा है कि तुम मुसहर हो क्या, वो बेहद आपत्तिजनक है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, ये पूरे देश और पूरे प्रदेश के दलितों का अपमान है। हम तो चैलेंज देते हैं उनको कि आप अपनी वंशावली जारी करिए, आप सही मायनों में यादव हैं कि आप सही मायनों में गड़ेरी हैं, पता चल जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े घोटालेबाज लालू प्रसाद यादव, आपने अपनी जाति में भी घोटाला किया है। है हिम्मत तो अपनी 3 पीढ़ी का वंशावली जारी करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लालू की पार्टी आरजेडी भी चुप नहीं है। मोर्चा लालू यादव की सांसद बेटी मीसा भारती ने संभाला है। अब उन्हीं से जाति प्रमाण पत्र तो सब बिहार के लोग उन्हीं से लेना पड़ेगा। जीतन बाबू मांझी जी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संगत में अब उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी 1 सीट जीत करके केंद्र में माननीय मंत्री बने हैं, ये आदरणीय लालू प्रसाद जी का और विपक्ष का दबाव है। मांझी जी जाति प्रमाण पत्र ना बांटें। जाति विवाद ने बिहार की सियासत को गर्मा दिया। जीतन राम मांझी जिस जाति से आते हैं, बिहार में उसकी आबादी करीब 3% के आसपास है और इस वोट बैंक पर मांझी की पकड़ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।